not your baby girl. I'm going on my own world, tell me what to do. She's unexpected, just like I should. I do it on my own. They tie me down just like a tie. Start a fake, she erases. You know I'm more than flesh and bone. Stop, you still get in my way. Can't stand in my business, I'll stay. Did you plan B? I do things in my rage. My head is pushing on you with that shit, shit. हेलो गाइस, कैसे हैं सब? तो स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में, नए दिन के साथ नई जगह में। तो आज हम आए हैं जी एंजल फार्म घूमने। तो वेलकम टू एंजल फार्म। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप गाइस आपको सिनेमैटिक शॉट जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। तो गाइस हमने कर लिया एंजल फार्म में एंट्री और जे ले ली हमने टिकट। टिकट का प्राइस जो है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन और 100 की दो टिकट ली है हमने। तो पीछे से आपको ज़रा बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ऐसे ही है जी गाइस कुछ एंट्री यहाँ की, और चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। और ये एंजल फॉर्म है जो 20 से 25 एकड़ में फैला हुआ है जी। और ये देख सकते हैं ऐसी कुछ हट्स वगैरह बनी है यहाँ पर। और ये देखिए जैसे कि पुराने कल्चर, पंजाब का कल्चर जो पुराना वैसा संभाल के रखा गया है। जहाँ पे ये कुएँ बने हुए हैं, डेकोरेशन की गई है इनकी अच्छी तरह से, और देख सकते हैं आप। और ये हट्स वगैरह बनी हुई हैं जैसे कि पुराने पंजाबी हम देखते थे, पंजाबी कल्चर बोल सकते हैं इसको, पुराना पंजाबी कल्चर। तो ये है जी ऐसी कुछ है यहाँ की एंट्री। और थोड़ा सा आगे आने के बाद जी आपको मिलेगा जी इनका रेस्टोरेंट। ये देखिए ये है जी गैलेक्सी रेस्टोरेंट, ये इस तरफ। तो यहाँ भी लेके चलेंगे आपको बाद में, पहले अच्छी तरह से आपको फॉर्म का टूर करा देते हैं। तो ये है जी एंजल फॉर्म की एंट्री। तो गाइस ये है इनका पार्क, और आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे आए हुए हैं ट्रिप पे और अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। आज संडे है लेकिन स्कूल जो है वो संडे ट्रिप पे आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है ट्रिप पे आ रखे हैं। बाय, हेलो हेलो हेलो। तो ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं कि मिट्टी के घर बने हुए हैं, पुराने ईंटों के, जैसे कि पंजाब में पुराने बने रहते थे और रंगोली बनी रहती थी घरों में। और ये दरवाजे भी आप देख सकते हैं, डोर्स जो कि लकड़ी के बने हुए हैं जैसे पुराने टाइम में होते थे। और ये देखिए अंदर से पंजाब में, जैसे पुराने पंजाब में, पुराने पंजाब की आपको याद दिलाता है। और गड़े पड़े हुए हैं, रंगोली की गई है ये देखिए। और बहुत ही बढ़िया जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप कर सकते हैं आके। और अब गाइस ये देखने को नहीं मिलता, पहले पंजाब में काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन अभी तो सब शहरों की ओर भाग रहे हैं और पुराना जो पंजाब का विरसा है वो खोता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कैसी, किस तरह की हट्स है जो पुराने पंजाब में पहले ऐसी घर हुआ करते थे लोगों के किसी टाइम। देखिए काफ़ी अच्छा जो है वो इसको संभाल के रखा गया है। तो गाइस अब ये ऐसा जो एक्सपीरियंस है अब तो आपको जैसे फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं पुराने टाइप के जो बेड लगे हुए हैं और ये चरखा लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ऐसे पुराने टाइम में पंजाब में औरतें जो है वो चरखा चलाती थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ये भी एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। तो गाइस ये है इनका पार्क, बच्चों के लिए बना रखा है, तरह तरह के झूले लगा रखे हैं, एंजॉय करते हैं खूब। चलो हम भी करते हैं। तो गाइस ये है इनका पार्क, आप देख सकते हैं एक स्कूल का जो ट्रिप है वहाँ यहाँ पे आ रखा है, स्कूल के बच्चे जो है वो यहाँ आ रखे हैं स्कूल ट्रिप पे। और ये है इनका गार्डन। तो यहाँ पे आपको हज़ारों तरह के जो है पेड़ पौधे मिल जाएंगे, तरह तरह के देखने को, जो कि आजकल पंजाब में नहीं मिलते हैं। तो देख सकते हैं आप, और काफ़ी बढ़िया जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। आप आ सकते हैं एक दिन छुट्टी आप यहाँ पे
बिता सकते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है। और चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे भी दिखाएंगे आपको, काफ़ी बड़ा पार्क है। तो गाइस पार्क के चारों ओर घूमने के लिए इन्होंने ऐसी पगडंडी बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप घूम घूम के थक जाएंगे, इतना बड़ा पार्क है और पार्क ख़त्म नहीं होगा, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो गाइस थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको इनका पूल एरिया मिलेगा यहाँ पे। तो गाइस हमने कर ली है इनके पूल एरिया में एंट्री, और आप देख सकते हैं जो स्कूल का ट्रिप आ रखा है, और बच्चे जो है अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं स्विमिंग के लिए। और ये है जी इनका पूल एरिया, काफ़ी बड़ा पूल एरिया है। इनके पास 3 स्विमिंग पूल्स हैं, लेकिन अभी 2 की मेंटेनेंस चल रही है, तो फ़िलहाल यही ओपन है। तो आप देख सकते हैं कैसा व्यू आ रहा है आसपास का, और पानी बहुत ही साफ़ है, क्लिस्टर क्लियर, और लोग नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो गाइस जो पूल की टिकट है वो है 150 रुपीज़ ईच, और बच्चों के लिए कुछ छूट है, जैसे कि एक ग्रुप में आ रखे हैं तो पूल स्विमिंग पूल के एक पार से दूसरी पार जाने के लिए उन्होंने लकड़ी का पुल बना रखा है, और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और देखिए स्कूल के बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है जी यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, पूल इंजॉय कर सकते हैं। सारे पार्क में गाइस आपको ऐसे छोटे छोटे जो है वो स्पीकर लगे हुए मिल जाएंगे, और धीरे धीरे म्यूज़िक जो है वो सारे पार्क में आपको सुनाई देगा ऐसा चलता हुआ, तो बढ़िया है, काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। और यहाँ की लोकेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा, और ये पड़ता है जी होशियारपुर पंजाब में, तो लोकेशन मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा, अगर आप आना चाहें अपने साथ अपनी फैमिली के साथ छुट्टी बिताने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है। तो गाइस ये इन्होंने लगा रखा है पवन चक्की का छोटा मॉडल, जो पहले के पंजाब में देखने को मिलती थी, लेकिन अब भी ये पंजाबी कल्चर की तरह विलुप्त होती जा रही हैं, और ये देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर दिख रही है। और पार्क के सामने आप देख सकते हैं जी, ये है जी इनकी बिल्डिंग, और यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप एक रात नेचर के पास बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रूम भी ले सकते हैं, AC नॉन AC दोनों तरह के रूम जो अवेलेबल है यहाँ पर। तो गाइस अब हम आपको लेके चलते हैं रेस्टोरेंट, चलिए। तो गाइस आप देख सकते हैं अंदर, ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया, और ये देख सकते हैं कि किस तरह बनाया गया है, बिल्कुल ही जैसे ये पुराने टाइप की लकड़ी की कोई गाड़ी बनी हुई यहाँ पे, और ये देखिए ये आपको पुराने पंजाब की याद कराएगा। और ये देखिए इस तरफ हट्स बना रखी हैं। तो चलिए गाइस आपको अब दिखाते हैं इनका रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट के बाहर ही आपको मिल जाएगा इनका किचन, ये ओपन किचन आप देख सकते हैं, और इस तरह की है जी कुछ एंट्री, और एंट्री करते ही आपको ये सामने रिसेप्शन मिलेगी, और सामने आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं, ऐसा ही जी कुछ इनका सीटिंग प्लान, पुरानी तरह की बिल्डिंग है, जैसे पुराने दरवाजे पंजाब में हुआ करते थे घरों के दरवाजे, और बैम्बू की छतें बनी हुई हैं, बिल्कुल पंजाबी कल्चर, पुराना पंजाबी विरसा जो संभाल के रखा गया है इनकी तरफ से, और देखने में काफ़ी सुंदर जो दिख रहा है, ये देख सकते हैं जी आप कितना प्यारा लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं गाइस ये स्विच, पुराने स्विच जो आज से 30 साल पहले आते थे, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है, बैम्बू की छतें हैं, और काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन की गई है, और ये जो हॉल है ये फुली AC है। तो हमें लग रही है जी भूख, अब देखते हैं जी जय ज्योति जो है वो क्या ऑर्डर करती है खाने के लिए। तो गाइस फाइनली हमने बर्गर मंगवा लिए हैं, बर्गर खा रहे हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक, और बाद में मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये इनके पास जो है बफे वाला सिस्टम भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इसका प्राइस है 180 पर पर्सन, और बच्चों के लिए जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। तो ये देख सकते हैं ये बफे एरिया है, और अनलिमिटेड फूड है बफे में, आप देख सकते हैं, और बच्चे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, जो ट्रिप वाले बच्चे आ रखे हैं स्कूल के ट्रिप के, वो अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और इसका आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, सिर्फ सैटरडे और संडे को ये ओपन रहता है, अदरवाइज़ आपको स्नैक्स से ही काम चलाना होगा। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये रेस्टोरेंट एरिया को जो बड़ा करने की तैयारी कर चल रही है, और जो नई हट्स हैं वो तैयार की जा रही है इनकी तरफ से, यहाँ पर आप कुछ दिनों में ये खुल जाएंगी, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, खाना इंजॉय कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ग्रुप वगैरह के लिए ग्रुप पार्टी है, अगर
आपका ग्रुप बड़ा है, तो उसके लिए जो है ये इन्होंने ओपन रेस्टोरेंट जो बनाया है इसका इंतज़ाम किया गया है। अभी ये ओपन नहीं हुआ है, कुछ देर में वो ओपन हो जाएगा, कुछ दिनों में, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और ग्रुप में जो है इंजॉय कर सकते हैं, जैसे पार्टी वगैरह, बर्थडे पार्टी, तो फुली एसी है जी। हमने आपको सारा एंजल फार्म घुमा दिया, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आपको भी अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जहाँ आना चाहिए। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। बाय बाय।